धन्य मैया जी, पता चल रही है जी जान रही है, जब टीवी चल रही है सो देखो चैन से देख लो, हम बैठे जी बताओ भैया, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही या बोल नहीं रही हो, शर्म लग रही है? है? अरे शर्म तो मुझे करनी चाहिए जो कि तुम सबके सामने मैं अकेली चिल्ला रही हूँ। भगवान के भक्त तो कभी शर्म नहीं करते, ये ध्यान रखना। अच्छा बोलो सभी। एक बोले राजा जनक, अरे अपने अपने घर को लियो, मुखड़ा फेरो पीठी दिखाइयो, मुखड़ा फेरो पीठी दिखाइयो, मैंने जानी लई, मैंने जानी लई, हमारी हसी भई रथा के जतन सखी। आज गुरु विश्वामित्र ने कहा है, हे बेटा राम, उठकर के खड़े हो और राजा जनक के दुख को दूर करो। ध्यान रखना, आज प्रभु श्री राम जिस समय चले हैं, जाकर के प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में किसी ने नहीं देख पाया, आज प्रभु श्री राम ने जाकर के और पल भर में उस धनुष को तोड़ दिया। बोलिए प्रभु श्री राम की। और जैसे ही धनुष तोड़ा है, आज सीता जी वरमाला लेकर के आई हैं, लेकिन विचारी सीता छोटी और प्रभु श्री राम बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचकी, लेकिन प्रभु श्री राम की गर्दन तक नहीं पहुंची। संकी सहेलियां बोली हैं, हे प्रभु श्री राम, मेरी सीता छोटी है और आप थोड़े झुक जाओ। आज प्रभु श्री राम झुकना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण बोले, भैया पागल हो, ससुराल में भाभी के सामने भी झुकोगे, सारी जिंदगी झुकते रहोगे? आज प्रभु श्री राम सीना तान करके खड़े हो गए। संकी सहेलियां बोली हैं शेष अवतारी लक्ष्मण से, आप भी कुछ ऐसा करो जो के वरमाला डल जाए गले में। उसी समय शेष अवतारी लक्ष्मण ने जाकर के चरणों को छुआ है, ध्यान रखना, आशीर्वाद दिया है। आज सीता को मौका मिलते ही गले में वरमाला को डाल दिया। बोलिए सीता मैया की, प्रभु श्री राम की।
आज बड़ी हंसी खुशी के साथ मैं प्रभु श्री राम का नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ है और बड़े ही आनंद के साथ में शादी होने के बाद मैं पुनः लौट जाते हैं। एक दुल्हन का भजन और समय बहुत हो चुका है, अभी भगवान कन्हैया का अवतार भी कराना है और सभी ताली बजा करके बोले हैं।